ये मम्मा का चांद ऐसे निकल रहा हूँ, लोग ऐसे देख रहे हैं मेरे को, पता नहीं क्या चक्कर है, पर गाड़ी स्टार्ट करना है, गाड़ी स्टार्ट मान इकट्ठा करना है अपनी दुकान के लिए। का गन्ना लगाया है तूने? अभी ना इसमें हम डालेंगे तिली, मम्मा ने सारा भुगा मिक्स कर दिया, तैयार कर दिया। बाय बाय, हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट हैप्पी, और आज ना कोरोना के केस बढ़ रहे हैं जिसके कारण रियासी में लॉकडाउन हो रहा है 2 बजे के बाद, पर अभी 2:30 बज गया, कोई दुकानें बंद नहीं कर रहा है। आपका भाई अभी जा रहा है गाड़ी स्टार्ट करने, गाड़ी स्टार्ट करके सीधे निकल जाएगा यहाँ से घर को, क्योंकि मेरे को किराने का सामान इकट्ठा करना अपनी दुकान के लिए, पहले वो इकट्ठा करूंगा उसके बाद यहाँ से जाऊंगा। मेरे कपड़े पूरे पहुंच गए, अभी सुबह से मैंने ना मुंह धोया ना रोटी खाई हुई है। जैसे मार्केट से निकल रहा हूँ, लोग ऐसे देख रहे हैं मेरे को, पता नहीं क्या चक्कर है, पर क्या करूं यार, आज आपका भाई पांडी बन गया यहाँ पे, सामान उठाते होते इतनी बुरी हालत हुई है मेरी। मैं आपको रियासी मार्केट का रश दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पे रियासी मार्केट में कोई ना सीन बन गया, अभी यहाँ पे सारे रुके हुए, पक्का हुए पीनू है। ये देखो गाइस, मेरा रियासी में छोटे छोटे मसले होते रहते हैं यार, रियासी में लोगों को पता है, ऊपर से कोरोना आ रहा है, लोगों को टेंशन हो जाती है, लोगों ने खाना क्या पीना क्या, ऊपर से यार जो लोग मजदूरी वगैरह करते हैं ना उनको ज्यादा टेंशन होती है यार, लॉकडाउन बड़ी बुरी चीज है, उन लोगों का बड़ा मुश्किल होता है जिन्होंने रोज काम करके कुछ खाना पीना होता है ना, तो यार उनके लिए तो अफसोस होता ही है। फिलहाल अभी आपका भाई जा रहा है घर पे, यहाँ पे निखिल का वेट कर रहा हूँ, निखिल पता नहीं कहाँ पे है, पर से यहाँ पे 2 मिनट गाड़ी लगानी हो पीछे से 10 सीटियां बज जाती है, ठीक है यार दिखेगा भी तो अपना शहर अच्छा। ये निखिल खड़ा हुआ, निखिल हमने अपनी गाड़ी का कबाड़ा बना दिया, स्यूल स्यूल है जो बर्त वाले पुग्गे का, वो जो सामान होता है ना, वो सामग्री होती है ना पुग्गे का बर्त बनाने के लिए, वो सामग्री डाल दी हुआ। अभी हम रियासी मार्केट से निकला, ये देखो गन्ने की ये गाड़ी खत्म ही हो गई, हमने भी अपनी दुकान के लिए ना यहाँ से गन्ने लेके गए थे, ये अभी हमारे रियासी के ना मेन चौक है नई बस्ती चौक। नीरज ये सारे ओ माय गॉड टू रूल, अभी आपका भाई आ गया दुकान पे कर रहा है काम, ये तो फिलहाल अभी सामान उतार के रखना है गाड़ी में, उसके बाद मेरे को बनानी है एक रील सरस्वती भारती दीदी के गाने पे, तो वो मैंने उनको रात को चैलेंज दिया था उन्होंने, मैं दीदी आपके गाने पे रील बनाऊंगा बड़ी जबरदस्त चिकास, तो अभी मैंने गुड़ वाला कुलचा खाया, मजा आया, न्यूट्री वाला कुलचा था, मजा आ गया। मैं कह रहा हूँ अगर आपने गुड़ वाला कुलचा नहीं ना खाया जिंदगी में कुछ नहीं खाया ना, मैं दूसरा कुलचा ले लिया, ऊपर कचालू डाले हुए हैं, गरार का कुलचा खाया करो, कल इतने जबरदस्त कुलचा बनाते हैं गरार वाले, कोई कहने का मुकाबला नहीं है। अभी मैं कुलचा खा के थोड़ी देर क्रिकेट खेलने जाना है, फिर उसके बाद नहाना है, फिर मैंने नहा के क्या करना है, भुग्गा भी बनाना यार मम्मा के साथ, भुग्गा बना के दिखा, भुग्गा बनाते हुए दिखाऊंगा। पीछे हमारा फौजी बैठा हुआ, तो फौजी क्या बेच रहा आज, कितने रुपए का गन्ना लगाया है तूने? 20 रुपए का, वो गन्ना मांगा है, सारे थोड़ा मांगे है, 10 रुपए का है यार, 10 रुपए का दे दे यार, 10 रुपए का, चल सारे गन्ने कितने के देगा तू, ठेका मारते हैं सारे गन्ने लेते हैं, फौजी कितने के देगा? 2000 दे। फौजी तेरा रेट थोड़ा पूछा मैंने, गन्ने का पूछा है यार, बड़ा महंगे गन्ने बेच रहा है फौजी यार, पर फौजी से ले लेना यार गन्ने, जिसने जिसको कल भी चाहिए होंगे ना फौजी के पास, कल के लिए भी बड़ा स्टॉक पड़ा हुआ है फौजी, और भी पड़े ना, अभी पड़े हैं, कोई चिंता नहीं है फौजी का, मुल्क करने पड़े हुए हैं। फिलहाल मैं अभी चलता हूँ वीडियो अपलोड करने, आपको शहजाद सर के घर जाके मिलता हूँ। तो अभी ना मैं सरोरों के घर आया था, सर तो बाहर चले गए पीछे को ना, ये ना आसिम है, मैंने और आसिम ने एक टाइम पे ऐसा था, हम टिकटॉक पे बड़ी ज्यादा रील बनाते थे, अब आसिम चला गया आजकल जम्मू में, तो इसलिए ये कम मिलता है यहाँ पे, और रास्ते में इसको फोन करके बता रहा था मैं, हर्ष यार मेरा ना चैनल मोनेटाइज हो गया, तो ये इधर ही घूम रहा था, कहता भैया मैं बीजूपुर से ही वापिस आ रहा हूँ, मैं आराम से जाना, लोग रास्ते में गाड़ियां लगा देते हैं, रास्ते में मैंने लगाई हुई थी, तो अब मुबारक है माई किसी का यार, इसी वजह से आपको आवाज अच्छी आ रही है, ठीक है, मेरा वाला यार चलता नहीं था मेरे से, मेरे को बड़ी खुंदक, आप दोनों को जानते हो, मास्क खोलो यार, कोरोना है प्रभा, आप जाके रखना, हम इसलिए उतार रहे हैं क्योंकि वीडियो में आ जाए और हम दूर दूर खड़े हैं, ठीक है, और बीजूपुर में यहाँ पे कोरोना थोड़ा कम है, तो फिलहाल आप मास्क डाल के रखे, कोरोना बड़े केसेस बढ़ रहे हैं, ये आप सबको तो जानते हो, हमारे साथ 83 देखी थी, बट मैंने देखी है परसों की पुष्पा,
पुष्पा राज झुकेगा नहीं साला। मैं जाता हूँ घर पे, ये जा रहे हैं अपने घर। तो अभी घर पे इसलिए आया हूँ ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि हमारे मामा कितना अच्छा पुग्गा बनाते हैं। पुग्गा कैसे बनता है आपको ये नहीं दिखाया तो फिर क्या दिखाया। तो अभी मैं आपको पुग्गा दिखाता हूँ कैसे बनाते हैं मामा, क्या क्या चीजें मामा ने रेडी कर दी, क्या क्या चीजें रेडी कर रहे हैं। तो ये है गरी स्यूल है, गुड़ बादाम सारा कुछ इसमें, ड्राई फ्रूट वगैरह मिक्स वाला ये है, ये है खोया। तो अभी ना कढ़ाई में डाल दिया हमने स्यूल और तिल को भुनना है। पहले हमने स्यूल डाली हुई है कढ़ाई में और ये मम्मा ने स्यूल निकाल दिए। तो अभी ना इसमें हम डालेंगे तिली को भी भुनना है जल्दी आग पे। तो अभी ना मम्मा ने वो स्यूल और वो ना एक दिन को ही कुंडे में कुट के रख दी थी, बट अभी ना जो लास्ट में एक फाइनल टच दे रहे हैं थोड़ा सा मिक्सी में मिक्स कर रहे हैं। तो अभी मम्मा ये मिक्सी में थोड़ा सा मिक्स करके ना एक साथ रखेंगे, और ये हैं बादाम और काजू, इनको भी मिक्सी में मिक्स करेंगे अच्छे से पीस के। ये डाल दिया इस पर, और ये है गुड़ भी डालते हैं ना पुग्गे में। तो ये मम्मा सारा कुछ मिक्स अब एक त्रांबड़ी में एक जगह करेंगे। ये डाल रहे हैं खोए के बाद इसमें मम्मा सारा कुछ थोड़ा थोड़ा डालेंगे। ये डाल दी वो गरी। तो अभी मम्मा इन सबको ना अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये ना पुग्गा और भी बड़ा सही बने। मेरे को तो अभी भी मुंह में पानी आ रहा है यार। ये देखो मम्मा ने सारा पुग्गा मिक्स कर दिया, तैयार कर दिया ये सारा कुछ। तो अभी हम इसको ना सुबह टेस्ट करेंगे। अभी आपका दोस्त एंड होस्ट आया है DRS लोन, पीछे देख सकते हो अपने मोहल्ले के बंदे हैं सारे, अपने घर के मोहल्ले के, घर का होता है मोहल्ला, घर होता है हमारा। तो अभी मैं कटवाऊंगा बाल, कटवाऊंगा थोड़ी थोड़ी दाढ़ी, उसके बाद आपसे मिलता हूँ ना। अभी हमारा मुन्ना काट रहा है बाल हमारे काली भाई के। हेलो पिंड भैया, पिंड भैया हेलो करो ना यार। हाय भाई, हमारे DRS सलून के हमारा होस्ट एंड दोस्त। हेलो, ये मेरा भांजा भी है यार, बेशक मैं छोटा हूँ ये बड़ा है, बट रिश्ते में हम तुम्हारे मामा लगते हैं। क्यों दिंदर भाई है ना हमारा भाइयों से ज्यादा, बेशक मैं मामा हूँ पर हमारा है ना भाइयों वाला प्यार। बिल्कुल, लव यू ट्रक भर के। लव यू ट्रक भर के डायलॉग फेमस करो, लव यू ट्रक भर के। अभी कलर भी करवा लिया है, तो फिलहाल अभी दूंगा घर जाके, क्योंकि मम्मा को ना चंद को अर्घ देना होता है। आपको पता ना पुग्गा बनाया जैसे मम्मा ने, आपने देखा, अब अर्घ भी तो देना है, तो इसलिए घर पे जाना जरूरी है। घर जाके नहा लूंगा, रोज की तरह नहाना होता है, आपको पता तो है। पीछे मुन्ना हमारा आइसक्रीम सर, बाय बाय, लव यू ट्रक भर के। ठीक है फिर मिलते हैं आपको घर जाके। आप ये मम्मा का चांद अभी आपका भाई आ गया बाथरूम, जगुआर का गीजर, आपका भाई नहा के फ्रेश होके आपसे मिलता है ना। तो अभी फिलहाल मैं नहा के आ गया हूँ, तो अभी फिलहाल थोड़ी देर इंस्टाग्राम पे लाइव आना है, रजत भैया का फोन आया था, उसके बाद मैं करूँगा एडिटिंग और ब्लॉग एंड कर देंगे।